हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फेवरेट प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड इसके पहले आपको मेरे चैनल पे मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था मामा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किए हैं मामा अर्थ के बाय बाय ब्लेमिसी फेस क्रीम विथ मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। तो इसको मैंने अपने स्किन पे टेस्ट किया है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारे स्किन को किस तरह से बेनिफिट देता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो भी आपके क्वेश्चन है ना इसको लेकर के आपके मन में, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ना इसके लिए इन तक आप जरूर देखिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अच्छे बच्चे की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आप लोग है ना सब्सक्राइब करते हैं और बेल बटन को हिट नहीं करते हो ना, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ना हिट कर दिया करो। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो देख सकते हैं इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में ना इस तरह का क्यूट सा पंप बॉटल रिसीव होता है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट ऐसे हैं विथ मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। ये हमारे स्किन के लिए ना ये दोनों इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। एंड इसके ऊपर मेंशन है देयर इज नो मिनरल ऑयल एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट विथ बायो एक्टिव सूट ऑल स्किन टाइप। मतलब ये हर स्किन टाइप वालों को ये सूट करेगा। और इसमें कई सारी इसेंशियल ऑयल है, फ्रूट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो हमारे स्किन के लिए ना काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। एंड ये सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट नॉन ग्रेसिव फॉर्मूला के साथ आता है और जिन लोगों को ब्लेमिसेस की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ विंटर के लिए अच्छा सा फेस क्रीम देख रहे हैं ना, तो वो इसको जरूर ट्राई करें। मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा फेस क्रीम है और हर स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर ना कई सारी इसेंशियल ऑयल दी गई है, ऑलिव ऑयल है, फ्रूट ऑयल है और ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ आता है। ये सारे जो भी ऑयल इसमें दी गई है वो हमारे स्किन के लिए ना काफी ज्यादा अच्छी होती है। एंड इसके अंदर है मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। ये दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे अनइवन स्किन टोन के टेक्सचर को ना इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। और क्रीम ना स्पेशली अनइवन स्किन टोन के लिए बनाई गई है, जिनको ब्लेमिशेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसको डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम से यूज करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ना ग्लोइंग इफेक्ट देता है, मतलब ग्लोइंग बनाता है आपकी स्किन को। और ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पे काफी अच्छा वर्क करता है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अगर वो इसको यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्लेमिसे जिनके स्किन पर हो गई है ना उसको ये काफी हद तक ठीक करती है। बट पिगमेंटेशन के लिए अगर आप लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा आपकी स्किन पे आपको इफेक्ट दिख रहा है ना, तो इट्स ओके। मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है पिगमेंटेशन वालों के लिए ये प्रोडक्ट। और अगर आपको ब्लेमिसेज डार्क स्पॉट के छोटे छोटे से दाग धब्बे रह जाते हैं तो उस पर ये क्रीम ना काफी अच्छा वर्क करती है। और बहुत सारी जो टीन गर्ल्स होती है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप 16 प्लस है तो आप इसका प्रोडक्ट को ना डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी ये प्रोडक्ट से किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। बट अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं ना तो एक बार अगर आप चेक करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी में लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड 16 प्लस है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस क्रीम को आपको 2 times के लिए यूज करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी आपको पिक कर लेनी है एंड देन अप्लाई करना है, तो परफेक्टली हमारे स्किन पर ब्लेंड हो जाता है और हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। तो अगर आप घर में रह रहे हैं, बाहर कहीं नहीं जा रहे, तो ये क्रीम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बट अगर आप धूप में जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आप मामा अर्थ का SPF 50 सनस्क्रीन या फिर कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें धूप में टैनिंग से बचाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, टीन एज वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा एंड ईजिली ब्लेंड होता है। इसमें मेंशन है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ 8 से 10 ग्लास आपको डेली
पानी पीना है और साथ साथ 8 घंटे का नींद आपको अच्छे से लेना है। तो हम सभी जानते हैं अगर हम पानी और नींद अच्छे से लेंगे ना तो हमारा स्किन अंदर से काफ़ी ज़्यादा ग्लोई रहेगा और हमें किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की नीड नहीं होगी। तो अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो साथ साथ सारे रूल को भी फॉलो कीजिए तो काफ़ी अच्छा है। इसको इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीनेज गर्ल्स हैं तो आपको सिंपल सा मॉइस्चराइजर वगैरह ही यूज करना चाहिए, दैट्स गुड टू गो। एंड आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड सीरम आपको अपने फेस पर अपने स्किन पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीन एज में ना बहुत ज़्यादा अपने स्किन को ना केयर करना पड़ता है। अगर आप बहुत कुछ लगाएंगे तो आपको आपकी जो स्किन है ना उसमें बहुत कुछ कभी पिंपल्स कभी कुछ होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए सिंपल सा मॉइस्चराइजर जो अच्छी सी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा हो आपकी स्किन के लिए, तो ये प्रोडक्ट ना टीन एज वाले के लिए बहुत अच्छा है अगर आपकी एज 16+ है तो। एंड अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ परचेज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो इसका जो परचेज लिंक होगा ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको ममा अर्थ के साइट पर भी परचेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अमेजोन पर नायका पे भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड मैं इसे ऑफलाइन परचेज की हूँ, आपको ये इजीली आपके लोकल मार्केट में ऑफलाइन मिल जाएगा। एंड इसकी जो क्वांटिटी है ना वो 30 ग्राम की मुझे रिसीव हुई है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 449 रुपीज। तो काफ़ी अच्छा है, एकदम क्यूट सा है। अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं, एकदम देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप कैप के साथ आपको मिलेगा और काफ़ी टाइट है, साउंड भी आप सुन सकते हैं और इजली ये अच्छे से पंप दिया गया है तो काफ़ी अच्छे से आप अपनी स्किन पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक ऑल ओवर फीचर की बात की जाए तो ये मेरे स्किन को ना बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छे से सूट किया है मेरे स्किन पर। और एक अच्छे फीचर की अगर मैं बात करूँ ना तो ये प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन को सूट किया है। सो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन गर्ल के लिए ना ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है, इसे एक बार जरूर ट्राई करें। एंड इसका कोई भी रिएक्शन या फिर सेंसिटिविटी नहीं देखा गया है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसके इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको डिटेल से नहीं बताए, जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने आपको बताए और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो हमारे स्किन को ना ठीक करने में हेल्प करता है। अगर दाग धब्बे हो गए तो उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। बट हाँ, तुरंत अगर आप अप्लाई करेंगे 2-4 दिन में अगर आप सोचेंगे कि वो ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसको आपको अच्छे से यूज करना पड़ेगा, लंबे समय तक थोड़ा यूज करना पड़ेगा तभी आपको एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो या गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक देने में ना आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो तो प्लीज़ फ्री है लाइक कर दिया कीजिए। एंड कैसा लगा आज का ये वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को आप अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।